पटना के ग्रामीण इलाकों में अपराधियों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आए दिन मोकामा में अपराधी आम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। इस बार इंडियन रेलवे के जूनियर इंजीनियर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। बताया जा रहा है कि जूनियर इंजीनियर पंकज कुमार टालघाट स्टेशन से ड्यूटी पूरा करने के बाद मोकामा लौट रहे थे। इसी दौरान घात लगाकर बैठे अपराधियों ने औंटा हाल्ट के पास अपराधियों ने पंकज की बाइक को ओवरटेक कर रोक लिया। वहीं लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने रेल इंजीनियर के सीने में गोली मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें गंभीर हालत में पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने पंकज कुमार को मृत घोषित कर दिया। मृतक पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर रेल मंडल कार्यालय में जेई के पद पर तैनात थे। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं मृतक के परिवार वाले जब घटना स्थल पर पहुंचे तो उन्हें पंकज के गले की चेन और पर्स मिला। मृतक मोकामा के शंकरवार टोला निवासी पंकज कुमार के तौर पर की गई है। जूनियर इंजीनियर पंकज कुमार की हत्या के बाद भी अपराध की वारदात नहीं रुकी। मोकामा के बेलची थाने के मसत्थू इलाके में बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि रूबी देवी पर घात लगाए रुदल पासवान ने अचानक हमला कर दिया। रुदल पासवान ने महिला को काफी नजदीक से गोली मारकर जख्मी कर दिया। बताया जा रहा है कि महिला ने प्रेम प्रसंग में एक लड़के लड़की की शादी करवाई थी, लेकिन रुदल पासवान इस घटना से काफी गुस्से में था और मौका पाकर अपना हिसाब किताब बराबर कर दिया। वहीं जख्मी महिला को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना हुआ कि गए थे लाइटिंग, हम लोग आ रहे थे लाइटिंग से, वाल्मीकि पासवान के लड़का कही करे तैयारी हो जाए, रतियो भी फायरिंग किया पूरा। उसके बाद हम लोग फिर भी बिहने घकाई तो हम लोग कहें कि झगड़ा हम नहीं करेंगे, लेकिन झगड़ा राइफल ले करके और उसके बाद फायरिंग किया। अब फायरिंग किया तो इनको गोली मार दिया और उसके बाद देखिए रड रड के मार है रुदल पासवान मारा। मोकामा में एक के बाद एक करके दो लोगों पर अपराधियों ने हमला कर दिया है। इस हमले में एक जूनियर इंजीनियर की मौत हो गई तो दूसरी महिला बुरी तरह से जख्मी है। बढ़ते क्राइम ग्राफ से मोकामा के आम लोगों में दहशत का माहौल कायम हो गया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।